Ready? Ready, Yili. Pani bhi. Vaidehi! क्या हुआ वैदी, तू ठीक तो है ना? भाभी आप वैदी का ख्याल रखिए, मैं आता हूँ। जी भैया। क्या हुआ तुझे? सुनाओ सुनाओ मुझे सुनाओ। अच्छा सुनाओ, कुछ ज्यादा नहीं शरारत करने लग गए हो आप? बड़े आए ये कैसी किताब पढ़ रही हो तुम? लव स्टोरी आफ्टर डेथ? डरना तो मुझे चाहिए तुमसे। क्या वो तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? माधव, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? ये सब ना ऐसी बुक्स पढ़ने का नतीजा है। माधव बात मत बदलिए। और मैं जो कह रही हूं ना उसे ध्यान से सुनिए। अच्छा ठीक है बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? माधव मैं आपके बिना जी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूं आपसे और हमारे रिश्ते के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगी, मौत को भी नहीं। चित्रा तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? छोड़ो ये सब। नहीं माधव, I mean it. मैं अगर मर गई ना माधव तो मैं वापस आऊंगी आपकी जिंदगी में लौटकर।
आपके बिना जी नहीं सकती और मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। ये मेरा वादा है। कैसे अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? वैदेही के साथ साथ फेरे लेकर उसके साथ जिंदगी पूरी जिंदगी बिताने का वचन देकर मैं उसी वचन का मान नहीं रख पाया। नहीं मैं हमारे प्यार का मान रख पाया। तूने क्यों किया ऐसा चित्रा? तुम वो चित्रा हो ही नहीं जिससे मैंने कभी प्यार किया था। माधव मैं वही हूँ। मैं आपकी चित्रा ही हूँ माधव। आप मेरे प्यार को जुनून समझे या पागलपन, पर सच तो यही है माधव कि मैं आपको कभी किसी और का नहीं उम्मीद दे सकती। आप मुझे गलत मत समझिए माधव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ये जो कुछ भी किया है सिर्फ आपके लिए किया है, आपको पाने के लिए किया है माधव, आपके प्यार को पाने के लिए किया है। अगली पूर्णमासी ये तारीख यादगार रहेगी। क्यों माँ, ऐसा क्या होने वाला अगली पूर्णमासी को?
हुआ वैदेही? सब ठीक है ना? माधव भैया ऐसे चुपचाप कमरे से क्यों चले गए? भाभी, मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में सब सच बता दिया। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। पता नहीं, पता नहीं मैंने सही किया या गलत। क्या मतलब वैदेही? जब से मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में बताया, वो बहुत परेशान रहने लगा है। माधव भैया परेशान तो होंगे ना, इतनी बड़ी बात है। और वैसे भी इस बात का तो माधव भैया को अंदाजा तक नहीं था। हाँ भाभी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब से मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में बताया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे कटा कटा सा रहने लगा है। शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, तभी तो उसने मुझसे इस बारे में ना कुछ कहा है ना कुछ पूछा है। कहीं वो चित्रा दीदी के साथ तो नहीं रहना चाहता ना? मैंने उसे सब बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना भाभी? कहीं मुझसे शादी करके वो पछता तो नहीं रहा है ना? नहीं वैदेही, तू गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, कोई तो बात जरूर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माधव को अपनी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद वो आज भी चित्रा दीदी से ही प्यार करता है, तभी तो उनके बारे में सुनकर वो मुझसे दूर हो गया। नहीं, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। वैदेही, तूने कोई गलती नहीं की है, और वैसे भी माधव भैया का हक है सच जानने का। और जहां तक बात तेरे और माधव भैया के रिश्ते की है ना, तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। और वैदेही, चित्रा भाभी माधव भैया का बीता हुआ कल थी, वो भैया का आज कैसे बन सकती है? पर तू माधव भैया का आज है और आने वाला कल भी तू ही है। और ये बात माधव भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते हैं। सब ठीक हो जाएगा वैदेही, तू बस गलत सोचना बंद कर दे। मुझे नहीं पता भाभी। अच्छा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुझे तो समझा दिया, पर डर तो मुझे भी लग रहा है। हे भगवान, वैदेही के साथ कुछ बुरा मत होने देना। मना करने के बाद भी इस गवार ने पता नहीं माधव को क्या क्या उगल दिया है। कहीं माधव को चित्रा की पूरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? We'll be right back.
मुझे पता करना ही होगा माधव को वैदेही ने क्या क्या बताया है। माधव यहाँ आंगन में क्यों खड़ा है बेटा? आंधी तूफान आने वाला है, अंदर चल। माधव क्या बात है बेटा, ऐसा खोया खोया सा क्यों है? अपनी माँ को सच नहीं बताएगा? वैद्य के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता खाई जा रही है ना तुझे? माधव माधव मेरा दिल बैठा जा रहा है, तो अपनी माँ से दिल की बात नहीं बताएगा? क्या बात है माधव, वैद्य तू ठीक है ना? आपको याद है माँ, चित्रा की मौत के बाद सब लोगों को उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। सबका कहना था कि उसकी आत्मा यही है। हाँ याद है, पर ये सब कुछ तू अभी क्यों बता रहा है? कोई बात हुई है क्या? देख माधव मुझे सच सच बता, बात क्या है? तुझे मेरे सर की कसम, तू अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो सब कुछ सच सच बता, तुझे क्या चिंता खाई जा रही है? वो सब लोग जो चित्रा के बारे में ये कहते थे सब सही कह रहे थे। मैंने उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं किया और वैदेही से शादी कर ली। चित्रा ये सब कुछ देख पा रही थी, वो इस घर से मेरी जिंदगी से दूर कभी गई नहीं। तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो चित्रा की आत्मा को हमारी हवेली से मुक्ति दिला सकती है, मैं उन्हें अभी बुला लेती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। माधव हे भगवान, मैं वैसे ही परेशान हो रही थी। माधव का चित्रा के बारे में जानना मेरे लिए तो वरदान हो गया। माधव तो खुद नहीं चाहता कि चित्रा यहां से जाए। अब चित्रा को माधव के करीब आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सब जानते हैं कि तुम हो, सबको तुम्हारे बारे में पता है, फिर मुझे क्यों इस बात से अनजान रखा? मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं हमेशा से आपके सामने ही थी माधव। चित्रा